आनंद जी, एक बात बताइए कि ये दीपावली और दीपदान उस समय क्या फ़र्क है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसका जो मूलभूत अंतर है उसका रूपांतरण किया गया है। ये जो दीपदान उत्सव है, जब हम इसकी जानकारी खंगालते हैं इतिहास से, तो इसकी हमें दो तरह की जानकारी प्राप्त होती है। दीपदान उत्सव का श्रमण संस्कृति में विशेष महत्व है, क्योंकि श्रमण संस्कृति में हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों, शिलालेख और चैत्यों का निर्माण करवाया था। जब उसका उद्घाटन हुआ था तो उस समय दीपदान और पुष्पमालाओं का विशाल आयोजन किया गया था। लोगों ने खुशी मनाई थी घर घर और दीप जलाए थे। जी, तो एक बात और बताइए कि बहुजन समाज के लोग दीपावली नहीं मनाते हैं और ये दीपदान उत्सव को मनाते हैं, वो बताएं। देखिए, इसका जो है इसे भ्रमित कर दिया गया है लोगों को। लोग अपनी संस्कृति को पहचान नहीं रहे हैं, उनका जो इतिहास है वो कहीं ना कहीं लुप्त कर दिया गया है। ज़रूरत है इतने इतिहास को ढूंढने की, खंगालने की और उसे फिल्टर करने की। तो मैं ये मानता हूँ कि ये भारत की प्राचीन संस्कृति के त्यौहार हैं। जिस तरह से इसकी दो जानकारी हमें मिलती हैं, एक सम्राट अशोक से जुड़ी हुई है, दूसरी भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध से है। जब वो कपिलवस्तु वापस आए थे तो वहाँ के लोगों ने खुशी के लिए दीप जलाए थे, क्योंकि भगवान ने वहाँ धम्म की देशना दी थी, लोगों में प्रकाश हुआ था धम्म का। इस वजह से इसका विशेष महत्व है इतिहास के अंदर। आप थे आनंद जी, जिन्होंने हमें बताया कि दीपदान उत्सव और दीपावली में क्या फ़र्क है।